बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर रुकैया है और मेरा ग्रुप 8 है। मेरे साथ दो मेंबर्स और हैं, अली मुस्तफ़ा और मोहम्मद वकास। और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है 4-way ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोलर सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आजकल हमारे पास हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे मुल्क में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, हादसात की तादाद बढ़ती जा रही है। उसको रिड्यूस करने के लिए और माहौल को सेफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है प्रोजेक्ट का कि हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और माहौल को किस तरह सेफ कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना उसे हम महफूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन गाड़ियों के रश को रोकने के लिए जो मुख्तलिफ सड़कों से आकर एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। रोड सेफ्टी साइंस जो है, हमारे पास तीन किस्म के हैं, उनमें तीन किस्म की लाइट्स होती हैं। एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। रेड लाइट ट्रैफिक जो है हमारे पास, वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है, स्टॉप के लिए यूज़ की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप रेड लाइट आपको सिग्नल पे शो हो तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक दें। येलो ट्रैफिक लाइट वो वार्निंग होती है उन गाड़ियों के लिए कि अब आपने अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना है, ना कि स्पीड को अप कर देना है। ग्रीन ट्रैफिक लाइट, ग्रीन का मतलब है कि गो, अब आपने गाड़ी को चलाना है। जब ग्रीन सिग्नल हमारे पास शो हो जाए तो हमारे गाड़ी का मकसद है कि अब आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। ब्लॉक डायग्राम, इसकी ब्लॉक डायग्राम ये है कि हमने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई ली है, उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर 89C51 को दी है, जहाँ से हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स जनरेट होंगी, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो। कंपोनेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, 89C51 क्रिस्टल है। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, 22 pF के दोनों यूज़ किए हैं। क्रिस्टल हमारे पास 12 MHz का है। रजिस्टर हमने 2 यूज़ किए हैं, 10 kΩ का और 8.2 kΩ का। LEDs हमने 12 यूज़ किए हैं, इसलिए 12 यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे पास 4-way है, हर वे के ऊपर 3-3 LED डिस्प्ले हुई हुई हैं। बैटरी हमारे पास 5 वोल्ट की है। माइक्रो कंट्रोलर, ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर चिप है 89C51 और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, 8-bit माइक्रो कंट्रोलर है और ये मैन्युफैक्चर हुआ हुआ है एटमिल कॉरपोरेशन से। और इसकी 4K रोम है, फ्लैश मेमोरी, और 128 बाइट्स ऑफ रैम है। इसकी 4 पोर्ट्स हैं और 40 पिन्स होती हैं, 0, 1, 2, 3 4 पोर्ट्स हैं और 40 पिन्स हैं। और ये ऑपरेट करता है मिनिमम 2 वोल्टेज को और मैक्सिमम इसके पास आती है 5.5 वोल्टेज। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है माइक्रो कंट्रोलर की। 40 पिन पे हम VCC देते हैं, 40 पिन जो है हमारे पास ये VCC है, और 31 जो है वो हम इनेबल पिन होती है, जिधर से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं बटन को, वो भी VCC हम देते हैं। और जो 20 इसके पास पिन है माइक्रो कंट्रोलर की, उसको हम ग्राउंड करते हैं हमेशा। और 9 इसके लिए रीसेट का होता है ऑप्शन पिन जो है, और 9 जो होती है रीसेट, ये इस तरह होती है कि हमारे पास इसके ऊपर 2 रजिस्टर लगते हैं और ऊपर से हम उसको VCC देते हैं और उन दोनों रजिस्टर्स को हम ग्राउंड कर देते हैं। 18-19 जो पिन है वो हमारे पास क्रिस्टल है, एक्सटर्नल क्रिस्टल, अगर आपने लगाने हों तो। वैसे तो इंटरनली इन बिल्ट होते हैं क्रिस्टल, ठीक है। उसके साथ हमने 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं, 33 pF के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ये पिन 3 की जो पोर्ट 3 है उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें 7 है, 0 से लेकर 7 तक उसकी पिनज हैं। जो पोर्ट 3.0 है, ये हमारे पास सीरियल इनपुट पोर्ट होती है, वहाँ पे इनपुट दी जाती है। और 3.1 जो पोर्ट है उसके ऊपर हमने सीरियल आउटपुट देनी है। 3.2 और 3.3 जो है वो हमारे पास इंटरप्ट है। 3.2 हमारे पास 0 इंटरप्ट होता है और 3 जो हमारे पास है 3.3 ये हमारे पास इंटरप्ट 1 होता है। जो पोर्ट 3.4 है ये हम टाइमर के लिए यूज़ करते हैं, 0 एक्सटर्नल इनपुट देने के लिए। और 3.5 हमारे पास टाइमर 1 है और ये इस तरह एक्सटर्नल डाटा मेमोरी वायर है। और 3.7 भी। डिस्क्रिप्शन, हमारे प्रोजेक्ट में 4 वे हैं, तो उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है। जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो पोर्ट 1 है वो हमने ईस्ट पे सेट किया है। ईस्ट के ऊपर जो हमने 3 पिन यूज़ की हैं पोर्ट 1 की, पोर्ट 1.0, 1.1 एंड 1.2। 1.0 पे हमने रेड लाइट को, LED को लगाया है, 1.1 पे ग्रीन को डिस्प्ले किया है और 1.2 पे येलो को।
वेस्ट का भी ऐसे ही है, 2.0 पे पोर्ट 2 है माइक्रो कंट्रोलर की, उसकी पिंस 2.0 पे रेड है, 2.1 पे ग्रीन है और 2.2 पे येलो है। एलईडी हम बेसिक एलिमेंट है इसमें, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती है जब उसके अंदर से हम गुजारते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को। और ये एलईडीज ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बल्ब्स, क्योंकि ये लेस एनर्जी है यूज़ करने के लिए। सिंबल इसका ये है, ये हमारे पास करंट आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है और पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, मैक्सिमम करंट रिड्यूस होगा, ये इसका हमारे पास डायग्राम है। बैटरी, बैटरी हमने 5 वोल्ट की यूज़ की है। बैटरी का ये काम होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए, जैसे कि हम फ्लैश लाइट के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के कार के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इसको करंट देना है अपने सर्किट को प्रोवाइड करने के लिए। जब भी हम इलेक्ट्रिकल करंट बैटरी से देते हैं अपने सर्किट को, इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो कैथोड कहलाया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल इसका एनोड होता है। ये हमारे प्रोजेक्ट की पिक्चर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4-वे। ये प्रोटियस डिस्क्रिप्शन है हमारी प्रोजेक्ट की। अब हमारे पास जो हमने सिमुलेशन की है इसकी, वो हमारे पास प्रोटियस पे ये है। सबसे पहले हमारे पास पोर्ट 1 पे जब हम बैटरी सप्लाई करेंगे 5 वोल्ट रेड हो जाएगी, उसके बाद ग्रीन का सिग्नल ऑन होगा और उसके बाद येलो का। ये पोर्ट 1 पे हमारा एक सिग्नल कंप्लीट हो जाता है नॉर्थ का। इसी तरह हमारे पास फिर थर्ड पे आ जाएगा, नॉर्थ पे ऐसे ही है, इसी तरह वेस्ट पे और इसी तरह साउथ पे। लास्ट पे हमारे पास आती है कोडिंग। इस प्रोजेक्ट की हमारे पास कोडिंग ये है। सबसे पहले हमने इंक्लूड रजिस्टर 51.h यूज़ किया, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसकी करैक्टरिस्टिक है। रजिस्टर 52 भी हम यूज़ कर सकते थे, 53 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने रजिस्टर 51.h यूज़ किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेट बिट कर दी, सेट बिट हमने रेड जो LED है उसको हमने सेट बिट किया पहले पोर्ट 0 पे। सेट बिट हमने किया ग्रीन को, ग्रीन LED को किया पोर्ट 0.1 पे, और सेट बिट हमने येलो जो LED है उसको भी हमने सेट बिट 0 कर दिया पोर्ट 0.2 पे, ठीक है। इन सब को हमने बिट पॉइंट्स को हमने सेट बिट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेट बिट रेड 1 है, जो पोर्ट 1 है हमारे पास, उस पे भी हमने इसको हाई कर दिया, रेड 1 को, ग्रीन को भी हाई किया, येलो को भी हाई किया। ये तमाम यहाँ पे हमारे पास सेट बिट्स आ गई। और फिर उसके बाद हमारे पास वाइट डिले आया है जी के लिए। जी हमारे पास कौन सी LED है, ग्रीन की, उसको हमने डिले दिया है, उसके बाद हमने डिले येलो को दिया है। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है ट्रैफिक, क्योंकि हमारे पास 4 वेज थे तो वो 0, 1, 2 और 3 से हमने उसको डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद फिर हमने डिले दिया ग्रीन को, ग्रीन को हमने डिले दिया है 3 सेकंड का। उसके बाद ये वाला फंक्शन है, इसको हमने यूज़ किया है, जो हमारे पास काउंटिंग है ना 0 से लेकर 1, 2, 7, 5 तक वो काउंट करेगा, और जे पे हमारे पास 500 से लेस देन तक काउंट कर सकता है। उसके बाद हमने डिले येलो लाइट को दिया, ग्रीन लाइट का डिले हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ पे, यहाँ से आके हमारे पास आता है येलो डिले। उसके बाद उसका भी फंक्शन ऐसे ही है, इन दोनों फंक्शंस को मिला के ये 2 सेकंड का येलो डिले, येलो लाइट का डिले है 2 सेकंड का। उसके बाद फिर फंक्शन आएगा, फिर हमने पोर्ट जो है नॉर्थ पे हमने रेड को 0 कर दिया है, ठीक है, और साउथ पे भी रेड को 0 किया है, वेस्ट पे भी, ईस्ट पे भी। फिर हमने वाइल का लूप लगाया, वाइल का लूप इसलिए लगाया ताकि जो हमारे पास चारों पोर्ट्स हैं वो रिपीट होती जाएँ। वाइल का लूप इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो रिपीट होके नेक्स्ट पोर्ट पे जाता जाए। फिर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ट्रैफिक 0, 1, 2 और 3, फिर वही 4 फंक्शंस हमारे पास आ गए। जो हमारे पास नॉर्थ का फंक्शन है वो ट्रैफिक 0 है, उसके लिए हमने रेड जो है उसको 0 की, रेड को 0 करके कर दिया तो वहाँ पे वो ऑन हो गई है, हाई आ गई है। तो वो जो हमने डिले दिया था उसकी वजह से रेड हमारे पास हाई आया है, और रेड का डिले हमारे पास 4 सेकंड है। उसके बाद वहाँ पे ग्रीन 0 हो जाएगी LED, उसके बाद डिले दिया हमने ग्रीन का, जब ग्रीन का डिले दिया तो वहाँ पे ग्रीन ऑन हो जाएगी और येलो हमारे पास 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने डिले दिया वाई येलो का, तो वहाँ पे येलो जो है 0 वो हमारे पास हाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और वहाँ पे रेड हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ईस्ट का, ट्रैफिक 1, ठीक है। इस पर भी हमारे पास सेट बिट हमारे पास हमने जो की थी रेड की, वहाँ पे रेड ऑन हो जाएगा, ग्रीन जो है हमारे पास 0 हो जाएगा डिले, क्योंकि हमने दिया ग्रीन को। उसके बाद
डिले के बाद ग्रीन जो है वो वन हो जाएगा, मतलब कि ऑन हो जाएगा, और येलो जो है वो ऑफ हो जाएगा। फिर हमने येलो के लिए डिले दिया है, येलो हमारे पास ऑन हो गया और रेड हमारे पास ऑफ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम उमर रुकैया और मैं ग्रुप 8 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 4-way ट्रैफिक सिग्नल था। उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट में जो मेन कंपोनेंट्स थे वो बैटरी थी, माइक्रो कंट्रोलर था, कैपेसिटर्स हमने 2 यूज़ किए थे 22 पिकोफैरेड के, और क्रिस्टल हमने लगाया था, और एक हमारे पास कैपेसिटर था 10 माइक्रोफैरेड का। इसकी वर्किंग ऐसे है कि हमने जो प्रोग्रामिंग दी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने बैटरी को अटैच किया माइक्रो कंट्रोलर से, और वो उसकी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो चारों सिग्नल्स के साथ अटैच हैं। रेड के ऊपर 4 सेकंड का डिले है, उसके बाद हमारे पास येलो होगा, उसके ऊपर 2 सेकंड का हमने डिले दिया प्रोग्रामिंग में थ्रू प्रोग्रामिंग, फिर ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। पोर्ट 1 के बाद हमारे पास ईस्ट हमारे पास शो होगा, वो हमारे पास के पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 उस पर भी हमारे पास ऐसे सिग्नल्स रिवॉल्व करेंगे। येलो में स्लो डाउन हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद भी पोर्ट हमारे पास 2 आ जाएगा, उसके ऊपर भी ऐसे ही है जो हमने डिले दिए हैं, रेड के लिए 4 है, येलो के लिए 2 है, और ग्रीन के लिए 3 सेकंड डिले है, और इसी तरह लास्ट पे हमारे पास वेस्ट पे भी ऐसे ही शो होगा, ग्रीन येलो एंड देन रेड।